Subscribe now to receive new updates every day. इंडिया vs वेस्ट इंडीज, विंडीज ने 6 ओवर में बनाए 18 रन लुइस हॉप क्रीज पर। सीरीज में पिछड़ने के बाद वेस्ट इंडीज की टीम के लिए साल 2019 में होने वाले वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करना बेहद मुश्किल हो गया है। डायरेक्ट क्वालिफाई करने के लिए उसे सीरीज जीत बेहद जरूरी थी। भारत के खिलाफ वनडे सीरीज के चौथे मैच में वेस्ट इंडीज ने 6 ओवर में बिना विकेट खोए 18 रन बना लिए हैं। इविन लुइस 5 और काइल होप 10 क्रीज पर हैं। मैच में विंडीज ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। पिछले मैच के मुकाबले इस मैच के लिए टीम इंडिया में 2 बदलाव हुए हैं। युवराज सिंह आर अश्विन और भुवनेश्वर कुमार की जगह पर दिनेश कार्तिक, रविंद्र जडेजा और नो शमी को प्लेइंग 11 में शामिल किया गया है। विंडीज की टीम में भी एक बदलाव हुआ है। मिगुल कमिंस की जगह पर अलजारी जोसेफ की टीम में वापसी हुई है। विंडीज के लिए 2019 वर्ल्ड कप की राह हुई मुश्किल। सीरीज के तीसरे मैच में हार के बाद वेस्टइंडीज के लिए 2019 में इंग्लैंड में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप के लिए सीधे क्वालिफाई करना मुश्किल हो गया है। वेस्टइंडीज को अपने आखिरी 6 मैचों में सिर्फ 1 में जीत मिली है और 5 में हार का सामना करना पड़ा है। हाल ही में उसकी अफगानिस्तान के खिलाफ खत्म हुई 3 मैचों की वनडे सीरीज 1-1 से बराबर रही थी। एक मैच बारिश में धुल गया था। वेस्टइंडीज की टीम इंग्लैंड में चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। 2019 वर्ल्ड कप के लिए आईसीसी रैंकिंग में टॉप 8 टीमें सीधे क्वालिफाई करेंगी, जिसमें मेजबान इंग्लैंड शामिल रहेगा। वेस्टइंडीज इस समय रैंकिंग में 9वें नंबर पर है। सीधे क्वालिफाई करने के लिए वेस्ट इंडीज को यह सीरीज जीतनी थी, लेकिन अब वो सिर्फ बराबरी ही कर सकता है। 2 बार वर्ल्ड कप विनर रह चुका वेस्ट इंडीज अगर क्वालिफाई नहीं कर पाया तो उसे क्वालिफाइंग टूर्नामेंट में खेलना पड़ेगा, जहां से 2 शीर्ष टीमें विश्व कप में पहुंचेंगी। प्लेइंग 11 है: भारत शिखर धवन, अजिंक्य रहाणे, विराट कोहली सी, दिनेश कार्तिक, एमएस धोनी डब्ल्यू के, केदार जाधव, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मो शमी और उमेश यादव। विंडीज काइल होप, शाई होप डब्ल्यू के, जेसन मोहम्मद, एविन लुइस, रोमेन पोवेल, रोस टंचेज, जेसन होल्डर। कप्तान एशलेनर्स, देवेंद्र बिशु, केसरिक विलियम्स और अलजारी जोसेफ। Thank for watching. Subscribe now to receive new updates every day. And don't forget to drop a like, leave a comment.